तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर जॉब मिलने में क्यों परेशानी आती है, बहुत हार्ड वर्क करने के बाद भी क्यों जॉब नहीं मिल पाती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोटॉक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हर दूसरा इंसान जॉब ना मिलने या मनचाही जॉब की परेशानी से ग्रस्त है, फंसा हुआ है उसमें। आपको बता दें कि एस्ट्रोलॉजी के अनुसार सक्सेस पाने के लिए हार्डवर्क के साथ साथ लक का होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लक आपका साथ ना दे तो आप कई तरह के प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं, और अगर आपका लक साथ देता है तो आप जो है बहुत जल्दी ईजली लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं। जॉब मिलने में क्यों प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि नौकरी का मुख्य कारण जो है शनि ग्रह को माना जाता है, सैटर्न को माना जाता है। लेकिन इसके अलावा जॉब पाने में दूसरे ग्रहों का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे जब बृहस्पति यानी जुपिटर किसी इंसान की कुंडली में ज्यादा मजबूत होता है तो इंसान को नौकरी मिलने में परेशानी आती है। वहीं जब किसी इंसान की कुंडली में ग्रह योग जो है या फिर गुरु चांडाल योग होगा तब भी जल्दी जॉब नहीं मिल पाती है, जॉब मिलने में प्रॉब्लम आती है। अगर कुंडली में शनि का संबंध धन स्थान से होता है तो भी जॉब में परेशानी का सामना करना पड़ता है। पामिस्ट्री के अनुसार जब हाथ में भाग्य रेखा यानी फेट लाइन टूटी हुई हो तो जॉब मिलने में परेशानियां आती हैं। उपाय क्या है वो जानिए, बहुत ही आसान आपको ज्योतिष उपाय बताऊंगी जो आप आसानी से घर पे गृह कर सकते हैं, इसमें ज्यादा तामझाम नहीं है। तो सबसे पहला जो उपाय आपको करना है वो है मंगलवार की पूजा। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी को भोग लगाना चाहिए और गुलाब का फूल उन्हें अर्पित आपको करना चाहिए। हनुमान जी आपसे प्रसन्न होंगे तो वो आपको मन चाही नौकरी जरूर दिलाएंगे। तो उनका आशीर्वाद पाने के लिए आप ये चीजें मंगलवार के दिन कर सकते हैं। अब दूसरा उपाय क्या करना है, तो मंत्रों का जाप। जी हाँ, आपने सुना होगा कि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम मंत्रों के जाप में हम बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। किसी नौकरी के लिए जाने से पहले आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है जो आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। ओम नमः भगवती पद्मावती रिद्धि सिद्धि दायिनी, इसका जाप 108 बार आपको जरूर करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने से आपको आपके कार्यों में सफलता मिलती है। जिस काम के लिए आप जा रहे हैं मंत्रोच्चारण करके जाएगा तो वो काम आपका हो जाएगा। अब तीसरा उपाय क्या करना है, वो है सोमवार का व्रत भी आप रख सकते हैं, मंडे का फास्ट कर सकते हैं। मंडे के दिन जो है, सोमवार के दिन को हम शिवजी का दिन मानते हैं, उनके लिए शिवजी के लिए समर्पित होता है। इसलिए सोमवार के दिन अगर आप व्रत रखकर शिवलिंग पर जो है कच्चा दूध चढ़ाते हैं तो माना जाता है कि ऐसा करने से शिवजी जो है खुश होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, जो भी आप चाहते हैं वो आपको दे देते हैं। इतना ही नहीं, आपको मन चाही नौकरी भी मिल जाती है। तो इसीलिए मनोकामना पूर्ति और मन चाही नौकरी के लिए आप सोमवार के दिन शिवजी पर कच्चा दूध चढ़ा सकते हैं, उस दिन फास्ट रख सकते हैं। अब अगला उपाय है, वो है गाय को गुड़ चना खिलाना। जी हाँ, जब भी आप किसी नौकरी के इंटरव्यू के लिए जाएं तो आप गाय को गुड़ चना आपको जरूर खिलाना चाहिए। साथ ही आटे के पेड़े में जो है आप गुड़ रखकर भी गाय को खिला सकते हैं और गाय का आशीर्वाद आपको जरूर लेना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से आपके जो भी कार्य हैं वो बनते चले जाते हैं, पूरे होते हैं और आपको अपनी मन चाही नौकरी भी मिलेगी। और गाय को तो हमारे हिंदू धर्म में इतना ज़्यादा पवित्र माना जाता है, तो इसलिए गाय को आप गुड़ चना खिला सकते हैं। इसके अलावा आप हल्दी पानी से जो है नहा के, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो अपने पानी में हल्दी मिलाकर और स्नान कर लें, नहाएं तो उस पानी से नहा कर अगर आप जाते हैं तो भी आपको नौकरी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आपको बता दूं कि हल्दी पानी से नहाने से आपके में एक पॉजिटिविटी भी बनी रहती है, एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। अब अगला उपाय है सूर्य देवता को जल देना। ये तो बहुत सारे लोग करते हैं और बहुत सारे लोगों को ये चीज शायद पता भी होगी कि आप जो है सुबह नहाने के बाद आपको तांबे के लोटे में जल भरना चाहिए। जल में सूखी लाल मिर्च के दाने डालकर सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। जल तो सभी देते हैं लेकिन अगर आप मन चाहा जॉब चाहते हैं, मन चाही नौकरी चाहते हैं तो सूर्य देवता को खुश करने के लिए आप तांबे के लोटे में जो है पानी लेकर उसमें सूखी लाल मिर्च के बीज डाल दीजिए और तब आप उनको चढ़ाइए, मन चाहा वरदान आपको वो देंगे। अब अगला जो है वो उपाय है शनिदेव से जुड़ा हुआ। जो है शनिदेव की अगर आप पूजा करते हैं, जॉब मिलने में परेशानी आ रही है, तो हर शनिवार को शनिदेव की पूजा करके इस परेशानी को दूर किया जा सकता है। ओम शन शनश्चराय नमः, शनिवार के दिन आपको इस मंत्र को 108 बार जाप करना है। मंत्र आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगी, तो इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो भी आपको मन चाही नौकरी मिलेगी। अब अगला उपाय है पक्षियों को दाना खिलाना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है ऑफिस जाने से पहले या कभी संडे के दिन भी पक्षियों को दाना देते हैं। इससे क्या होता है, तो इससे भी आपके जॉब में आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नौकरी में बाधाएं आ रही हैं, वो दूर हो जाएंगी। पक्षियों को 7 प्रकार के अनाज यानी सतनाजा मिलाकर दाना खिलाना चाहिए, इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इस उपाय को आप करते हैं तो आपको नौकरी बहुत जल्दी मिल जाएगी, मन चाही नौकरी मिलेगी। तो
अब आपको एक और आखिरी उपाय, बहुत सारे लोग कलर के जो है चूज करते हैं जाने से पहले, जब आप इंटरव्यू के जा रहे हो कि कौन से कलर का पहन के जाएं, तो पीले रंग का कपड़ा अगर आप पहन के जाते हैं नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए, अगर आप पीले रंग के हाथ में कोई कपड़ा या धागा बांध दीजिए या पीले रंग के ड्रेस पहन लीजिए, तो ये आपको काफ़ी शुभ रहेगा। इस उपाय के जरिए आपको बहुत आसानी से जो है आप ईजिली, आपको जो है लक फेवर करेगा और नौकरी में जो परेशानियाँ आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। तो बहुत ही सिंपल उपाय मैंने आपको बताए हैं, आसान उपाय बताए हैं, इसमें कुछ भी आपको ज़्यादा नहीं करना है, जो चीज़ें कर रहे हैं उसको थोड़ा और बेहतर तरीके से करना है और कुछ चीज़ों की शुरुआत करनी है। तो ये उपाय आप कोई भी कर सकता है, किसी भी इससे व्यक्ति विशेष का जो है इससे रिलेशन नहीं है, हर कोई कर सकता है ये उपाय, ऐसा है तो आप करके देखिए। अगर आपको कुछ अच्छा फीडबैक मिलता है या इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है, तो ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि ये जानकारी कैसी लगी है, और अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है तो आप वो भी हमें अपना फीडबैक लिखिए कि हाँ आपकी हमारे द्वारा बताए गए उपायों से आपकी लाइफ में कोई चेंज आता है। आपके सुझाव सजेशंस हमेशा आप अपने लिखते रहिए कमेंट बॉक्स में, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस जो आपकी लाइफ को इजी बना सके, वैसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स हम आपको देते हैं, ज्योतिष की दुनिया से आपको हम परिचय कराते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारे ये वीडियोस अच्छे लगते होंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।